स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण में प्रशिक्षण में अंतर। कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। हमने पहले शिक्षण के बारे में पढ़ा था, अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो शिक्षण और प्रशिक्षण में बहुत बारीकी से इनमें अंतर स्पष्ट होता है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रशिक्षण के उद्देश्य। कि हम जब प्रशिक्षण करते हैं तो प्रशिक्षण को लेकर सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होता है, ये हम प्रशिक्षण में बताएंगे। कि प्रशिक्षण के उद्देश्य हम क्या लेकर चलते हैं, कि हमें ये ट्रेनिंग लेनी है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले हमारा एक एम, एक लक्ष्य होता है कि हम इस कार्य को क्यों करना चाहते हैं। तो यही प्रशिक्षण में मैं बताऊंगी कि अगर हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं तो हम उस ट्रेनिंग को लेते क्यों हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कि ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, हम उस कार्य को अच्छे से जानने के लिए कि आगे हम जब भविष्य में, या हम कहें कि हम जब उसका प्रयोग करें, प्रशिक्षण जिस चीज़ को हमने सीखा है अगर हम उसका प्रयोग करें तो वो प्रयोग हमारे लिए, हमने जो सीखा है वो हमारे जीवन में उसका उपयोग हम अच्छे से कर सकें। या हम कहें कि हमें उस चीज़ को जिसको हमने सीखी है उसको हमारे जीवन में किस तरीके से हमें प्रयोग में लेना होता है, ये हमारे प्रशिक्षण में उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है प्रशिक्षण में वो है हमारा मनोबल व आत्मविश्वास तथा कार्य क्षमता में वृद्धि। कि जब हम प्रशिक्षण लेते हैं, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हम जब चीज़ सीख जाते हैं तो हमारा उसके प्रति मनोबल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम ये समझने लगते हैं कि ये चीज़ हमें पूरी तरह से, हम जिस इस चीज़ के बारे में जानने लग गए हैं। अगर हमें उस चीज़ का पूरा ज्ञान हो जाता है, हम उस चीज़ को पूर्ण रूप से सीख जाते हैं, तो सीखने के बाद हमारा क्या होगा, उसमें मनोबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमने रियली में हमने ये चीज़ सीखी है, और इससे हमारी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। हम उस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से करते हैं और अच्छे से संपादित करते हैं। तो उसका फर्स्ट उद्देश्य है हमारा मनोबल व आत्मविश्वास, कार्य क्षमता में वृद्धि। सेकेंड है हमारा परिवर्तन के प्रति अनुकूलता। यानी कि जो हमारे प्रशिक्षण जब हम लेते हैं तो कहते हैं कि परिवर्तन, अगर हम किसी चीज़ में परिवर्तन करना चाहें तो हम उसके प्रति अनुकूलता स्थापित करें, अर्थात हम उससे सामंजस्य स्थापित करें। ये हमें प्रशिक्षण सिखाता है कि किस तरीके से हम उसमें अनुकूलता स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं कि कई बार हमने देखा है, हम प्रशिक्षण लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जब आगे उस चीज़ को प्रयोग में लेते हैं उस टाइम हमें नहीं सिखाई जाती, लेकिन हमें आगे उस चीज़ को, वो चीज़ हमें मिलती है तो हम उस चीज़ को किस तरीके से सीखी हुई चीज़ के साथ अनुकूल बिठाते हैं, ये हमें प्रशिक्षण सिखाता है। जैसे हम देखें कि पहले जब हम बीएड करते थे तो हमारे वहाँ टेक्निक नहीं थी, लेकिन आज हमने देखा है कि टीचिंग में टेक्निक का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। तो हम उस प्रशिक्षण में, आज के स्टूडेंट्स जब प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उन्हें वो टेक्निक आ रही है, लेकिन क्या पहले वाले टीचर्स इस चीज़ को सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। इसीलिए वो आज के टाइम पर अनुकूलता स्थापित किस तरीके से करते हैं, कि अगर हम देखें कि जब पुराने बीएड करे हुए टीचर्स जो टीचर बन चुके, अब नए बच्चे जो टीचर बन के जाते हैं तो उनसे वो टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं, अर्थात वो प्रशिक्षण जो उन्होंने लिया है उस प्रशिक्षण में उन्हें सामंजस्य बिठाना सिखाते हैं। तो वो आज भी उस चीज़ को अपनाते हैं कि हमें किस तरह से अनुकूलता बिठानी है, और वो उस चीज़ को सीखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट था हमारा परिवर्तन के प्रति अनुकूलता। थर्ड है हमारा संस्था के प्रति निष्ठा। यानी कि हम जो प्रशिक्षण लेते हैं वो हम किसी ना किसी संस्था से लेते हैं। अगर हमें उस संस्था के प्रति ईमानदारी है, निष्ठा है, अगर हम कहें कि उस पर हमारा भरोसा है, तो हम वो प्रशिक्षण बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं। या कहें कि हम प्रशिक्षण लेते हैं तो हम उस संस्था से जुड़ जाते हैं और उस संस्था के प्रति हमारी एक ईमानदारी होती है। तो कहते हैं कि जब प्रशिक्षण लेते हैं तो प्रशिक्षण लेते टाइम हम उसके प्रति, क्योंकि प्रशिक्षण ले इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें उस पर, हमें विश्वास है, हम उस पर ईमानदारी है कि हम किस तरह से इस कार्य को कर सकते हैं। तो ये है कि इसमें संस्था के प्रति निष्ठा की भावना भी जागृत करती है। थर्ड है हमारा उत्पादकता में वृद्धि। मैंने आपको बताई थी पहले भी एक चार्ट के द्वारा, मैंने आपको समझाया था कि उत्पादकता में क्या होता है, यानी
प्रशिक्षण के लिए, यानी कि वो अपनी उत्पादकता क्या करना चाह रहा है, इस प्रशिक्षण के माध्यम से तो वो उत्पादकता करना चाहता है। और उत्पादकता क्या है, उसकी समझ की उसने कितना सीखा है। अगर हम प्रशिक्षण लेते हैं तो प्रशिक्षण से हमारा क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ में हमारा मनोबल भी बढ़ता है। यानी जो उत्पादकता मिलती है हमें, ये उत्पादकता क्या हो जाती है, हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि, ये हमारा उत्पादकता हो जाता है। यानी कि हम जो कार्य जिसका हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो प्रशिक्षण हमारी उत्पादकता है, कार्य क्षमता, यानी कि हम उस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करना सीख जाते हैं। यही हमारी प्रशिक्षण में यही हमारी उत्पादकता होती है, यही जो हम सीखते हैं, जो उत्पादित करते हैं, वो होता है हमारा कार्य क्षमता में वृद्धि। तो मैंने यही चीज इस चार्ट को पहले भी आपको समझाया था, एक बार फिर मैंने इस चीज को रिपीट की है कि उत्पादकता हम कहाँ से करते हैं, संस्था से। कौन करते हैं, विद्यार्थी। और विद्यार्थी किस चीज में करते हैं, जो प्रशिक्षण लेते हैं, यानी किस चीज के बारे में वो सीख रहे हैं। और प्रशिक्षण के माध्यम से वो ज्ञान और मनोबल बढ़ाने के साथ अपने कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो ये है हमारा उत्पादकता में वृद्धि, कि हम किस तरीके से हमारी उत्पादकता में वृद्धि करते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से, जो हम प्रशिक्षण में सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समस्या को समझना। कहा जाता है कि जब हम प्रशिक्षण लेते हैं तो हमारे सामने जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, हम उन्हें बहुत निकटता से सीखते हैं। कहते हैं कि हम समस्या यानी हमारा विषय, आज हम कहें कि हमारे सबसे पहले हमारे सामने आती है समस्या कि हम टीचर किस तरह से बने। तो जहाँ हमें प्रत्येक चीज यहाँ पर बहुत बारीकी से सिखाई जाती है प्रशिक्षण में, कि वो समस्या है ना हमारे सामने कि हम भावी टीचर कैसे बने, एक अच्छे अध्यापक कैसे बने, तो वो अच्छे अध्यापक कैसे बनना है, ये हमें यहाँ प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। तो कहते हैं कि समस्या को बहुत बारीकी से हमें कौन समझाता है, प्रशिक्षण। यानी कि हम जो भी समस्याएं हमारी होती हैं, बहुत निकट होती हैं, उसे हम दूर करने के लिए, समस्या को समझने के लिए हम प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, उद्देश्य, कि प्रशिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले बताया मैंने मनोबल, आत्मविश्वास, कार्य क्षमता में वृद्धि। सेकंड था हमारा परिवर्तन के प्रति अनुकूलता। सेकंड था हमारा संस्था के प्रति निष्ठा। फोर्थ था हमारा उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट हमारा लास्ट था समस्या को समझना। अब हम आगे बढ़ेंगे शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। अब शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर मैं आपको इन पॉइंट्स के आधार पर समझाऊंगी, कि अर्थ के आधार पर इन दोनों में क्या अंतर है, प्रकृति के आधार पर, लक्ष्य एवं उद्देश्य के आधार पर, समय अवधि के आधार पर, और इनके आधार क्या होते हैं, इसके आधार पर मैं आपको इनके अंतर बताऊंगी। तो अब हम फर्स्ट देखें कि शिक्षण का अर्थ, जो कि मैंने आपको प्रत्येक जब भी वीडियो, जब मैंने जो पॉइंट शुरू किया है, जो टॉपिक लिया है, उसके बारे में आपको सबसे पहले मैंने अर्थ के बारे में बताया है। तो अब यहाँ हम देखें इनका अर्थ। तो हमने देखा था शिक्षण होती है टीचिंग, अर्थात पढ़ना या पढ़ाना, शिक्षा देना, जिसे हम कहते हैं शिक्षा देना अर्थात पढ़ाना, इसका अर्थ होता है पढ़ाना, शिक्षा देना, शिक्षा देना, या इसे हम कहें कि ये क्या होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच की अंतःक्रिया, यानी विद्यार्थी व शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया, इसमें होती है टीचिंग में। ये है हमारा इसका अर्थ, जिसे हम कहते हैं टीचिंग। टीचिंग को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पढ़ाना, शिक्षा देना। तो शिक्षण होता है शिक्षा देना। अब प्रशिक्षण को हम देखें तो प्रशिक्षण क्या होता है, जो मैंने पहले बताई थी, ये एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है। सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है किस चीज की, जब व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य लेके जाता है, व्यक्ति या हम कहें टीचर, या हम कहें टीचर नहीं, सॉरी स्टूडेंट,
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राप्ति हेतु ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि यहाँ हम कहते हैं प्रशिक्षण, जो मैंने पहले भी बताई थी आपको विशेषता में भी, कि प्रशिक्षण एक सुव्यवस्थित नियोजित प्रक्रिया है, अर्थात जिसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं कि हमें चीज इसके बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ के उसे किस तरह से व्यवस्थित करके हमें आगे अप्लाई करना है, ये हमें प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। अब सेकंड देखिए हम प्रकृति की, अगर हम देखें शिक्षण की क्या नेचर होता है, तो शिक्षण को मैंने पहले भी बताया था कि शिक्षण क्या है, विज्ञान और कला। कहते हैं ना कि कुछ जो हमारे दार्शनिक हुए उन्होंने इनको कला माना, उसने जो आज हम कहते हैं वैज्ञानिक है वो शिक्षा को क्या मानते हैं, तर्क से विज्ञान मानते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारे शिक्षण का नेचर होता है वो होता है विज्ञान एवं कला, क्योंकि टीचिंग तो एक कला ही होती है। कहते हैं कि टीचर जो कि एक अभिनेता होता है और उसका अभिनय होती है उसकी कला, अर्थात उसका पढ़ाना। कहते हैं अगर शिक्षक को हम देखें तो एक अभिनेता से कम नहीं होता है, उनका रोल एक अभिनेता के तौर पर होता है, और जो कला है उनकी वो होती है उनकी टीचिंग, कि वो किस तरह से अपनी कला प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से वो अभिनय निभाते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारा शिक्षण है उसकी प्रकृति विज्ञान एवं कला है। अगर हम यही देखें तो ये क्या है, जहाँ ये विज्ञान और कला है शिक्षण, जिसे हम पढ़ाना सिखाते हैं, लेकिन पढ़ाना किस तरीके से है ये हमें प्रशिक्षण में सिखाया जाता है, अर्थात हम यहाँ पर विधि के बारे में जानते हैं लेकिन यहाँ हम विधियों को अप्लाई करते हैं, यानी कि हम वैज्ञानिक विधियों के आधार पर पढ़ाना सीखते हैं। ये कहते हैं कि प्रशिक्षण एक वैज्ञानिक विधि के आधार पर वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है, कि हम जहाँ यहाँ सिर्फ हम पढ़ाना सीखते हैं लेकिन यहाँ किस तरीके से पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, ये हमें प्रशिक्षण मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा होता है लक्ष्य व उद्देश्य। तो इसमें कहते हैं कि यहाँ लक्ष्य होता है शिक्षार्थियों का मानसिक स्तर, यानी कि हम यहाँ मानसिक स्तर को बेहतर बनाते हैं, यानी हम ये हमारा लक्ष्य यहाँ पर, जब हम कहते हैं कि शिक्षण में हमारा लक्ष्य क्या होता है, कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसा पढ़ाएं कि जो स्टूडेंट के स्वयं का मानसिक स्तर होता है, जिसे हम कहते हैं IQ, उनका खुद का लेवल, कि वो किस तरीके से किस लेवल तक वो समझ सकते हैं। कहते हैं शिक्षण में हम जो शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से उसे बेहतर बनाना है, ये हमें शिक्षण में सिखाया जाता है। और प्रशिक्षण में हम कहें कि जो आदत हम सीखते हैं, अर्थात प्रशिक्षण हमारी आदत बन जाती है ना, तो कहते हैं जो हमारी आदत वह जो हम सीख रहे हैं, कहते हैं व्यक्तियों की आदतों वह निष्पादन में सुधार करना, किसकी में, स्टूडेंट या व्यक्ति की में। इसमें कहा जाता है कि जो हमारी आदत होती है, जो हमारा हैबिट होती है, प्रशिक्षण में हमें सबसे चीज हमारी हर बारीकी की बार हमारी आदत पर, हर हैबिट्स पर, इस पर हमारा, कहते हैं प्रशिक्षण में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि जो हम सिखा रहे हैं उसे हम अपने आदत में बनाएं और आदत ऐसी करें कि जिसमें हम आगे और सुधार कर सकें। निष्पादन जो हम हमारा प्रतिफल लाते हैं, हमारा रिजल्ट लाते हैं, कि हम जो किया है हमने उसमें हम किस तरह से सुधार करते हैं, कि प्रशिक्षण में हमने जो सीखा है उसमें हमें निष्पादन करना सिखाता है, कि किस तरीके से हम उसमें और सुधार कर सकते हैं। और समय अवधि में देखें तो शिक्षण दीर्घकालिक होता है। हम कहते हैं ना कि शिक्षण क्या है, शिक्षा देना, तो शिक्षा के लिए तो हम हमेशा ही कहते हैं कि शिक्षा हमेशा हमारा आजीवन चलता है,
ये दीर्घकालिक होता है, यानी कि हम आजीवन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो ये शिक्षण वही होता है कि हमारा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए इसको दीर्घकालिक कहते हैं। लेकिन प्रशिक्षण के लिए हम कह सकते हैं अल्पकालिक होता है, या कहें कि एक टाइम होता है, एक समय होता है। मैंने पहले जो आपको बताया कि हो सकता है हमारा प्रशिक्षण 6 महीने का भी हो, 6 मंथ का हो, सकता है हमारा 1 साल का हो, हो सकता है हमारे 2 साल का हो सकता है 3 साल का, 4 साल, अर्थात एक हमारे प्रशिक्षण का एक समय निश्चित होता है। अल्पकालिक का मतलब हमारा समय निश्चित होता है प्रशिक्षण लेने के लिए, प्रशिक्षण का हमारा समय निश्चित होता है। अब कहें आधार, तो हमने शिक्षा को माना है कि जहाँ शिक्षा विज्ञान और कला है, तो इसका सिद्धांत क्या है? इसकी वैज्ञानिक अवधारणा, वैज्ञानिक अवधारणा, वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित होता है। हम कहते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ाना है, किस तरह से, कहते हैं कि ये तो विज्ञान है, कला है, तो इसको हमें अगर हम विज्ञान मानते हैं तो वैज्ञानिक अवधारणा आ जाती है, अगर हम दार्शनिक मानने बैठे तो हमारी एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति आ जाती है। तो कहते हैं इसका आधार सैद्धांतिक वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित होता है। कहते हैं शिक्षा हमारी जब हम कहीं से ग्रहण करते हैं तो वो हमारी एक सैद्धांतिक होती है। अब प्रशिक्षण को हम कहें कि प्रशिक्षण किस आधार पर है, तो प्रशिक्षण के लिए कहते हैं प्रशिक्षण ज्ञान के व्यवहार, ज्ञान के व्यवहार के अनुप्रयोग पर, अनुप्रयोगों पर आधारित होता है। यानी कि हमने जो सीखा है उसको हमने किस तरह से प्रयोग में लिया है, ये हमारे प्रशिक्षण का आधार होता है। यहाँ हम कहें तो विज्ञान और कला है हमारा सिद्धांत, जिसे हम एक सिद्धांतिक तौर पर हम कहें कि विज्ञान के तौर पर वैज्ञानिकों ने कितना सही माना है, इस आधार पर हम शिक्षा देंगे। लेकिन यहाँ हमने उसको किस तरीके से प्रयोग में लिया है, जो सीखा है उसको किस क्षेत्र में कितना प्रयोग में लिया है, ये हमारे प्रशिक्षण में इसका आधार है। तो आज का टॉपिक है हमारा शिक्षा प्रशिक्षण, जिसमें प्रशिक्षण का उद्देश्य और शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर बताया मैंने। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। धन्यवाद।